इस बेसिकली ये एक टेक अवार्ड है, एग्जिबिट टेक अवार्ड। ये हम ट्राई करते हैं कि दुनिया के जितने भी बेस्ट कैटेगरीज हैं, स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, टेलीविजन ऑफ द ईयर, स्मार्ट वॉच ऑफ द ईयर, जो कि कंज्यूमर्स को पता नहीं है क्या खरीदना चाहिए, तो हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे कि नॉमिनेशन से लेके वोटिंग से लेके फिर जूरी पैनल से लेके हम लोग एक कंसेंसस में आते हैं। तो आज वही है, हम लोग करीबन 20 कैटेगरी को आज अवार्ड करते हैं। अगर आपकी बात करें तो आप पर्सनली कौन सा गैजेट यूज़ करना पसंद करते हैं? मैं टेकी, मैं बहुत गैजेट यूज़ करता हूँ। अगर कुछ पर्सन पूछा जाए तो मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, आई थिंक प्रीटी मच दोनों में सारा काम हो जाता है। बट अगर ज़्यादा डिटेल में जाओ तो अगर गोप्रो भी करना है कभी एडवेंचर के लिए वो भी अच्छा है। बट अगर आज के टाइम देखा जाए तो स्मार्टफोन एक ऐसा गैजेट है जो सब कुछ कर देता है और सबको कॉम्पिटिशन भी दे देता है। इन शॉर्ट, अच्छा यहाँ पर किसी को आपने इन्वाइट किया बॉलीवुड? हाँ जी, बहुत बॉलीवुड से आ रहे हैं। मिस्टर अनिल कपूर भी आने वाले हैं, वो एक टाटा कैंसर के इवेंट में गए हुए हैं, वो शायद लेट तक आएंगे। और काफ़ी हैं जैसे अली अब्राहम है, सो डेजी शाह है, कपल ऑफ देम मोर एक्सपेक्ट टू कम, दे ऑल आई मीन दे ऑल बीन आवर फ्रेंड्स बिकॉज वी कीप ऑन हैविंग देम ऑन द कवर, सो इट्स ऑब्वियस टू कॉल देम एंड दे विल कम। सो पहले साल में, इस साल में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले बैंगलोर में था और बॉम्बे में, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरा ये है कि हमने कुछ कैटेगरीज अबॉलिश कर दिया, जैसे टैबलेट ऑफ द ईयर अभी नहीं करते हैं बिकॉज टैबलेट एज अ कैटेगरी नॉट देयर, स्मार्ट वॉच ऑफ द ईयर हम लोग लेके आए हैं। फिर ऐसे ही कुछ यू नो कॉस्मेटिक चेंजेस जो कि अच्छा होना चाहिए, और राइट फ्रॉम कॉल फॉर एंट्री टू द प्रोडक्ट जो चूज़ करते हैं, जो कंज्यूमर्स को वोट करना है, वो भी काफ़ी मेटिकुलस प्रोसेस से गया है, तो जूरी ने भी चूज़ किया है ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच से अवार्ड दिया जाए। आइडिया ये है। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी इंपॉर्टेंट टू एनकरेज एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, सो आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम हियर टू अटेंड इट। अच्छा, आपको गैजेट्स कितने पसंद है, कोई कौन सा गैजेट सबसे ज़्यादा यूज करना पसंद है? आई एम अ गैजेट फ्रीक, येस, एंड माई लेटेस्ट थिंग आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज माई आईफोन 6S विच इज़ अ रोज गोल्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गैजेट्स, माई रीसेंट फेवरेट अदरवाइज इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक electronic dictionary bookmark which I've got for myself. So anytime while reading a book, any word you don't understand, immediately I get the meaning and everything. So that's quite cool. Any plans for Diwali or New Year? I will be celebrating Diwali meri family ke saath. So meri puri family aane wali hai Bombay, ghar pe, because I've moved into my new house. So this is my first house, my first Diwali in my home in Bombay. So our whole family is going to be here this time. Do you believe in New Year resolutions? Yes, I believe that the New Year resolutions are meant to be broken, because I always make them every year and I break them every year. So I've stopped making the resolutions now. Any upcoming project of yours you want to share with us? Yeah, currently I'm shooting for my new film. I don't think I can talk much about it yet. I'm waiting for the production house to announce it, so then I'll talk more about it. Okay, thank you so much. Thank you. All the best.
हम ज़्यादा से ज़्यादा आज अडेप्ट करते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक अवार्ड फंक्शन रखा गया है जो कि अच्छी बात है. वी आर एक्नॉलेजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज़ अ गुड थिंग एंड आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ द सेकेंड ईयर विद देम. आई गेस अवार्ड्स का सेकेंड ईयर है. सो आई हैव सीन फर्स्ट सीजन का, मैंने फर्स्ट अवार्ड जो था उसका मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्प्स देखा था. सो इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. अच्छा, आप कितने गैजेट की मैं मेरा आईपैड बहुत यूज़ करती हूँ. माई आईपैड एंड माई फ़ोन आर लाइक माई बडीज. मैं उसके बिना कहीं जाती नहीं हूँ, तो ये दो चीज़ें. अच्छा, आजकल तो बचपन से सारे लोग जो है अपने गैजेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपने मन से शुरू किया गैजेट यूज़ करें, जैसे कि सेल फोन की बात करते हैं. सबसे पहले कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जब आपने पहली बार सेल फोन यूज़ किया? हाँ, जब मुझे सबसे पहले जो फ़ोन पापा ने जो दिया था वो मोटरोला का था, तो मेरा मतलब वो सबसे अजीज़ चीज़ थी जो कि आज भी मैंने अपने पास रखा हुआ है. आई गेस दैट इज़ अ मेमरी दैट इज़ गोइंग टू बी विथ मी फॉर एवर, स्पेशली इन द फोन फॉर्म. सो दैट इज एंड आई यूज माई फर्स्ट फोन एट द एज ऑफ 15 आई गेस. ओके, विशिंग ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली. बी सेफ एंड जितना हो सके उतना कम पोल्यूशन करो, ज़्यादा क्रैकर नहीं. Wishing all the viewers a very happy and prosperous new year. Thank you, sir. ID. One ID. एक बोमेट आपको वाचिंग बॉलीवुड एड्रेस. ओके, इस पे बोलना है? हाँ. आप पकड़ें? कैमरा. कौन सा कैमरा? बॉलीवुड अड्डा न्यूज़. You are watching Bollywood. Yeah. Hi, this is Daisy Shah and you are watching Bollywood Adda. Thank you so much. Thanks, man. Man, center, man. Center, look, man. Man, center, look, please. ज़्यादा पटाखे तो नहीं फोड़ूंगी, यू शुड ऑलवेज बी इको फ्रेंडली, बट थोड़े बहुत आई थिंक फायर वर्क्स देखना मुझे पसंद है. अच्छा,
I think I have almost everything, but if there's something really new, let's see today, हमें क्या देखने मिलता है, उस हिसाब से I'll decide. Diwali and New Year wishes. Hi everyone, I'm Zoya Fios and I wish you all a very happy Diwali and a safe one. Any upcoming projects? I'm doing a couple of films down south, so yeah, that should come out soon. Okay, thank you so much and all the rest. When she meets so. गैजेट्स के बारे में समझता हूँ और नेचुरली आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि विदाउट गैजेट जो है कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होगा. इसलिए जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, इंसान को भी साथ में बढ़ना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए. तो मैं भी जो है गैजेट अभी काफ़ी कुछ और इस्तेमाल करने लगा हूँ और आगे आने वाले वक्त में और भी करूँगा. अच्छा, दिवाली और न्यू ईयर आने वाला है, कोई प्लान है दिवाली के लिए और न्यू ईयर के लिए? दिवाली और न्यू ईयर के लिए कोई ख़ास प्लानिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ जैसे न्यू ईयर जो है वो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं और या तो दोस्त लोग होते हैं, फैमिली होती है, हम लोग आउटडोर जाते हैं, कोई होटल में ठहरते हैं और एक बहुत बड़ा 10-12 दिन का एक तरह से फंक्शन लगा रहता है. तो हम उसमें से 3-4 दिन जो है वो कोशिश करते हैं कि खूब इंजॉय करें. अभी नो एंट्री के बारे में फिलहाल इसके लिए बात करना थोड़ा सा नहीं नहीं स्पेशल की जैसे दिवाली में स्पेशल नहीं, दोस्तों से मिलना, उनको विश करना और खुशियाँ मनाना बस नहीं होता है. बट अभी से जल्दी देखेंगे हम, मतलब नो एंट्री के सीक्वल कल आई डोंट नो, अभी चल रहा है मामला, सब राइटिंग चल रही है. कैटरीना भी आएगी इस बार? पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, आई कांट कमेंट. नहीं अभी नहीं, सब चल रहा है, प्लानिंग चल रही है. के बारे में कुछ बताइए आप? कुछ भी नहीं, अभी सब प्लानिंग चल रही, लिख रहे हैं, मैं बिल्कुल वक्त आने पे बताऊंगा. अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है, कुछ रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं? नहीं, इसलिए कि मैं जब भी रेजोल्यूशन कोई बनाता हूँ तो वो 2-3 दिन बाद टूट जाता है. तो अभी मैंने सोचा है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाना है. ओके, एक न्यू ईयर विश हो जाए, न्यू ईयर और दिवाली. मेरी तरफ से सारे जो लोग देख रहे हैं उनको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद. थैंक यू. नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू. वेल, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार है एक्चुअली जो मैं इसका अवार्ड के लिए आ रही हूँ. सो एंड टेक्नोलॉजी, आई मीन इट्स, आई ट्रूली बिलीव इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स नाउअडेज. इट्स रियली द थिंग दैट इज़ यू नो मेकिंग थिंग्स गो फास्टर, मेकिंग अस रीच आउट टू पीपल फास्टर. यू नो इट्स लाइक द न्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब मैं नहीं रह सकती हूँ अपना मोबाइल फ़ोन के बिना. सो या कौन सा क्या गैजेट कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ करना पसंद है? आपको कौन सा ज़्यादा यूज़ पसंद करना? सेलफोन. हाँ, तो मैंने वो भी बोला कि मतलब सेलफोन के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी सीरियसली. वो तो मैंने एक्सपीरियंस भी किया ना बिग बॉस में. तो मुझे याद है कि पहला हफ्ता ऐसा था कि नेचुरली यू फेल कि यू नो अरे कुछ मैसेज आया, अरे मोबाइल फ़ोन नहीं है. So you know you really had to live without it, which was a great experience. But yeah, I think aajkal matlab agar aap
कहीं जाएंगे मोबाइल फ़ोन के बिना, इट्स लाइक यू आर सो स्ट्रेस. अब सोचो कि ओह माय गॉड कितने सारे मिस कॉल्स या मैसेज, मतलब आई हैव मिस नाउ एंड ऑल्सो. या आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट. या मैं एक्चुअली मैं एक हॉलीवुड के लिए हॉलीवुड बोलर सॉरी एक्चुअली नहीं 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 सॉरी मैं एक वेकेशन के लिए जा रही हूँ. अकेले फ्रेंड्स के साथ. सो या क्या या कुछ चल रहा है एक्चुअली. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना अच्छे रिस्पॉन्स मिला है पिक्चर के बाद. सो लेट्स सी क्या. अच्छा न्यू ईयर आने वाला है, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है? नॉट रियली. नहीं वेल यस मैं आप सबको हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ. आप अपने फैमिली के साथ दोस्त के साथ इंजॉय करो एंड रिमेंबर टू ऑलवेज स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस अराउंड यू बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ऑलवेज ट्राई टू यू नो पुट ऑल द नेगेटिव थाट्स अवे एंड ओनली अलाउ पॉजिटिव थाट्स टू एंटर यू. Let me tell you that Exhibit magazine is very close to my heart. I have been twice on the cover, which I'm really feeling proud about, and the owner is really close friend. So all the best, Ramesh, and congratulations for founding that Exhibit Tech Awards. I think it's a fantastic opportunity to, you know, give the awards to all the technology freak people, for us to know what is up to date, which product we can rely on. So I think it's a wonderful idea, and I'm really, really glad to be here today. Are you a gadget freak? Absolutely. Every new phone, laptop, I have to have. I'm really gadget freak, and I think all of us are. Even the application nowadays, we even order like what aloo and potato with the application no is going to store anymore. So yeah, I think our generation is absolutely application and technology fan and freak. Diwali and New Year is around the corner. Any plans for you? Definitely Diwali is India's biggest festival, I mean to say. So definitely I will celebrate with my friends, have a nice dinner,
make some patakas and of course light my house with all nicely diyas. I think it's a wonderful celebration, and of course Happy New Year. I will definitely perform in one of the city which I will update you soon, and in this occasion I would like to wish you all very very happy Diwali and of course a Happy New Year. Any upcoming project you want to share with us in here? Definitely, I finished the shooting for Kya Cool Hai Haan part 3 and it is going to release beginning of next year. Any other project plans? The moment it will be announced, you will get to know about that. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, and I'm wearing roller. Could you just take a roller for the camera? Oh, yes. Okay. All right. Thank you. Great. One more. Great. Yeah. Purva, tell us how tech savvy are you? Tech savvy, I think we all are, and we all use iPhones and Androids, and you know, we all use iPads, tablets. So the world is going really digital. And it's a good sign because we are heading towards progress in terms of more tech savvy and being more technological in our own research. Yeah. Will we see you in Bollywood soon? I hope so. There are good chances. Let's see. Oh, have you signed your thing? Not yet. But just pray for me. Thank you. Thank you so much, Anada. Thank you. मैं काफ़ी टेक सैवी हूँ. आई थिंक आजकल के ज़माने में सबको बहुत ज़्यादा टेक सैवी होना पड़ता है क्योंकि वी कांट लिव विदाउट इट. और हमारे जो फ़ोन्स हैं, आई थिंक दैट्स बिकम आ लिटिल दुनिया जिससे हम ना सिर्फ मैसेजेस करते हैं, मुझे लगता है हम सबसे कम फ़ोन को फ़ोन की तरह ही यूज़ करते हैं. वी रेली कॉल पीपल नाउ. इट्स व्हाट्सएप, इट्स मैसेजिंग, इट्स सोशल मीडिया, इट्स एवरीथिंग एंड योर कैमरा. हाफ द टाइम आई रिफर टू इट इज़ माई कैमरा फ़ोन. सो या आई एम वेरी टेक सैवी एंड अ बिग फैन ऑफ सर्टन. आई वॉन्ट टू विश एग्जिबिट टीम ऑल द बेस्ट. और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा अवार्ड्स है क्योंकि आज की दुनिया में जैसे कि मैंने कहा हम टेक्नोलॉजी के बगैर रह नहीं पाते. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिवॉर्ड दोज पीपल हु मेक आर लाइफ सो कम्फर्टेबल. और जो साइंस में इतना एडवांस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, उनको इंकरेज करना अच्छा लगता है. मैं कभी कुछ प्लानिंग नहीं करती हूँ कि मैं दिवाली पे क्या खरीदूँगी. उम्मीद ये करती हूँ कि गिफ्ट्स मिले. बट शॉपिंग करने में ऑफ कोर्स मज़ा आता है. आई जस्ट गॉट अ न्यू फोन सो आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी गेटिंग समथिंग फॉर दिवाली. बट या आई थिंक दिवाली इज़ रियली मोर अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स देन शॉपिंग. न्यू ईयर स्टिल फार. रेजोल्यूशन बाद में लिखी. Yeah, I think there's going to be lots of fun parties and bahut sare dost ikattha honge, bahut acche kapde pehnenge, gehne pehnenge aur hopefully thode se paise banayenge. Abhi humne dance karte hue aapko dekha, lekin bade parde par kab dekhne wale hain? Kyunki ha, actually main aajkal apne naye gaano pe bahut focus kar rahi hu, to bahut jald aap mera naya video dekhenge. Thankfully aajkal videos ka zamana wapas aa chuka hai and that's why I was always popular. To mere khud ke gaane collaborating with some very cool male artists who you all love, so I'm very excited about that. Okay, thank you so much and all the best. Thank you. Mr. India finally. Oh, it feels really good. I've always wanted to be a part of Mr. India, and being in the top 3 of Mr. India feels good. Has the female fan following surged after that? Oh yeah, a lot more. It's always been great and it's just become better. Okay, you know, talking about gadgets, all right, tell us one gadget that you can't do without. I think definitely I'll go with the phone. That's something that I can't do without it. How tech savvy are you? Are you really into gadgets? Yeah, I'm a lot into gadgets. I have my own laptop, my iPad, my phone, my DSLR, okay, and a lot of other things. You have a DSLR? Yeah, yeah, I do. So I kind of, yeah, I'm passionate about photography. I do click sometimes, okay, but mostly it's wildlife photography. Oh, great. So what after Mr. India, what's coming up next from Rahul?
Probably get into movies. That's what I've been wanting to do. I've done a lot of show shoots, a lot of television commercials. But movie is something what I'm looking at closely. But you have a dream room? Not really. Whatever comes my way. Wish you all the very best. All right. Thanks. Thank you. Thank you. स्टार्ट तो मतलब क्या बोलूं स्टार्ट मतलब अरे मैं खुश हूँ लाइफ में आई एम रियली हैप्पी इन लाइफ दैट्स व्हाई आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन दे डोंट लाइक द फैक्ट दैट आई एम स्माइलिंग और दे वांट टू पुट नजर ऑन माय स्माइल और व्हाट आई एम हैप्पी इन लाइफ सो आई स्माइल No, that's because I am generally a gadget freak. I'm a software engineer, so I've grown up like 4 years of crucial years of my life with gadgets. So I think me and gadget go long back. So wo to mere saath, it's always there. Tell us one gadget that you can't do without. I think everyone can't do without phones. So I don't think there's another there's an alternative answer to it. But then I think there's another gadget that I really love to carry with me. That's my hard disk because. My computer always bursts with too much of data in it, so I always carry a hard disk with me. What's coming up next in the Bollywood? Well, first of all, I finished Tishu Sir's short film, which is going to be showcased on television as well as for special festivals. Wo khatam kar li hai, and then Barish aur Chowmin. And after that, I have, signed two projects, and I'll let the producers make the announcement. Next year, start honge. नहीं बिकॉज आई कॉन्ट रियली लिव अप टू रेजोल्यूशन सारे के सारे टूट जाते हैं विद इन अ वीक सो स्पेशली जो रेजोल्यूशन करते हैं ना वो वाला रेजोल्यूशन तो पक्का ही टूट जाता है और कुछ चलता रहे वो अलग बात है इसलिए आई नेवर टेक अप एनी रेजोल्यूशन दिवाली आने वाली है कहीं परफॉर्म करते देखेंगे किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे नहीं इस बार ही दिवाली पे मैं अपने घर के अंदर परफॉर्म करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमारा एक अच्छा फन गेट टुगेदर होगा उसके अंदर हम सारे परफॉर्म करेंगे घर के अंदर कहीं और नहीं परफॉर्म कर रही मैं थैंक यू वॉचिंग बॉलीवुड रेडी कौन सा है ये Ready? Yes. Hi, this is Tapsi and you're watching Bollywood Adda. Thank you. Okay. Very rarely acknowledge those behind the gadgets. So thank you all for making our lives more fun, more tech savvy, more convenient. And the reason I'm going on is because I'm so thrilled that you guys will be sending me one of these home. Congratulations, LG 4K, for being the premium television of
winner. Winner is Hero 4 GoPro Session. Please, Vikram, come. Request. Run!